तो फ्रेंड्स मैंने अपना फ़ोन कर दिया है ट्राइपॉड पर सेट, यहाँ ऊपर छत है और यहाँ से ही बारिश भी कम हो गई यार। मैंने इसलिए किया था ताकि मैं बारिश में कटिंग्स आपको दिखाऊं कि कौन कौन सी कटिंग्स और मैं लगाने वाली हूँ, बहुत सारा जंगल बनाने वाली हूँ। तो आइए फिर भी दिखा देती हूँ, बारिश बंद होए तो हो जाए यार। तो ये लिए हैं मैंने अपने दो हथियार, एक सीज़र ली है और एक ये वाली सीज़र ली है, ये प्लांट सीज़र है और ये नॉर्मल हम जो कपड़ा सिलते हैं वो वाली सीज़र है। तो चलिए कटिंग्स लाती हूँ, मैं कौन कौन सी लाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, मैं यहाँ रख देती हूँ इन्हें और अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा जो है, ये देखिए ये बोट लिली है और इसमें प्लांट्स देखिए कितने सारे आ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3, एक ही में से 3 प्लांट आ रहे हैं। इन तीनों को मैं सेपरेट कर दूँगी और बस इस कटिंग को मैं ऐसे ही वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा दूँगी जिसमें 50% रिवर्स एंड होगी, उसमें मैं लगाऊंगी क्योंकि ये हैंगिंग के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्लांट है। ये देखिए नीचे से पर्पल होता है, अभी इसको देखिए पीछे से आप देख रहे हैं ना, इसमें पर्पल होता है और ऊपर से ये ग्रीन होता है। तो इस प्लांट को हैंगिंग में ऑप्शन बहुत अच्छा है, सिंपल पॉट में लगाना चाहते हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ज़मीन में लगाना चाहते हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट कटिंग हो गई मेरी ये, अब देखिए सेकंड कटिंग हो गई मेरी ये। बहुत सारी कटिंग्स मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ इसकी और आपको दिखाने के लिए मैं और लगा रही हूँ और मुझे पता है कि ये पंगा होगा सारा कि मैं इन्हें लगाऊंगी कहाँ। तो ये देखिए जैसे इस तरीके से जो ये पत्ते होते हैं, ये देखिए जो नीचे की लीव्स होती है, मैंने इतनी मोटी ही ये डंडी ली है, इसकी जो कटिंग ली है वो ली है क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये वाली कटिंग भी इजीली हो जाएगी। वरना आप दूसरे मौसम में लगा रहे तो थोड़ी सी मोटी कटिंग लें इसकी, बट ये बहुत ईजीली अब हो जाएगी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। ये देखिए थोड़ी सी जो है इसकी लीव्स नीचे से निकाल दीजिए ताकि इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारा जो ये कटिंग है वो ना ले, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा गंजा कर देती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने सिर्फ ये ऊपर की लीव्स छोड़ी हैं इसके अंदर और जो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी सी नोड होती है ना, मींस छोटी छोटी सी जहाँ से लीव्स निकलती हैं वो वाले एरिया से थोड़ा सा, ये देखिए जहाँ पर जैसे ये गांठ लगी हुई है, यहाँ पर ये गांठ बनी हुई है, इसकी नोड बनी हुई है, इसके पास से अब थोड़ा सा मैं सीज़र दूसरी वाली लेती हूँ जो प्लांट्स वाली होती है, क्योंकि आप जो भी सीज़र लें आप हमेशा शार्प सीज़र लें, और क्योंकि शार्प से क्या होता है इसके जो अंदर के, ये देखिए अंदर से जो इसका ये है ये डैमेज नहीं होगा और यहीं से रूट्स आएंगी, डेवलप होंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कट कर दीजिए, एकदम स्ट्रेट मत लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से तिरछा आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से तिरछा कट लीजिए, एकदम स्ट्रेट ऐसे ना काट के ऐसे लीजिए थोड़ा सा, तो कटिंग आपकी ईजिली हो मिल जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका रीज़न क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसको मॉइस्चर मिल, ऐसे तिरछा कट होता है तो जो वो एरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है रूट डेवलपमेंट के लिए, इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम ऐसे करते हैं जो कट उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है तो इसको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है रूट्स डेवलप करने में। थर्ड आती है हमारी, ये देखिए ये है विंका और ये मेरा जो है हाइब्रिड विंका है, इसमें थोड़े से ऑरेंजिश और पिंकिश कलर के जो है फ्लावर्स आते हैं, उसकी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं, बहुत इजी है। बस ऐसे ही मैंने देखिए इसको काटा ही, थोड़ा सा तिरछा था, ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा तिरछे कट में ही मैंने इसको काट लिया था, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ मैं। ये देखिए मुझे ना थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है हमेशा। ये देखिए थोड़ी सी जो है, आज आर्ची कभी उठा नहीं है तो मेरे को हेल्प नहीं मिल पा रही है। यहाँ से ये जो है तिरछी कट कर लीजिए आप इसको, और तिरछा कट करके इसके आप लगा लीजिए इसको ऐसे ही किसी भी वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा लीजिए। अगर आप कटिंग्स लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मेन होता है कि जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और मॉइस्चर जो है वो बना रहना चाहिए हमारी कटिंग्स में। एक दिन के लिए भी अगर हमारी मिट्टी जो है सूख गई तो वो ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए उसमें कोकोपीट ज़रूर मिक्स करें।
रिवर्स एंड यानी कि रेत जो एक ग्रे से कलर का होता है ना रेत, वो हम जो कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं वो वाली रेत जो होती है वो इसमें कटिंग्स लगाने में, कोई भी कटिंग आप लगा रहे हैं उसमें यूज़ कीजिए। थोड़ी सी कोकोपीट डालीजिए ताकि उसका जो है मॉइस्चर बना रहे उसके अंदर और हमारी कटिंग को कोई मॉइस्चर की कमी ना हो जाए। तो इसकी कटिंग भी विंका में, कोई भी विंका है आपका, वाइट है, पर्पल है, कॉमन विंका जो होते हैं वो लगा सकते हैं, हाइब्रिड विंका है वो लगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट पानी में इतना डुबो दीजिए, उसमें भी इसकी जो रूट्स हैं वो इजीली डेवलप हो जाएंगी, उसको आप कीजिए। तो हमारी फोर्थ आती है, ये देखिए, ये है मेरा हाइब्रिड जो है हाइब्रिड गुड़हल जो होता है हिबिस्कस, उसकी इसका क्या होता है, फ्लावर थोड़ा सा छोटा होता है, सिंपल फ्लावर की तरह ही होता है, लेकिन जो इसकी लीव्स देख रहे होंगे ना आप, ये देखिए लीव्स देखिए आप इसकी, थोड़ी सी क्या होता है कि इसमें वेरिएशन होता है, लीव्स में वाइट धब्बे होते हैं, सिंपल जो कटिंग होती है उसके उसमें धब्बे नहीं होते, प्लेन होते हैं, लेकिन इसमें इसकी जो लीव्स में है उसमें ही कलाकारी दिखाई हुई है भगवान ने। तो इसको भी आप इसकी जो है नीचे से ये निकाल दीजिए, इसकी जो लीव्स हैं वो आप निकाल दीजिए। इसकी एक्स्ट्रा लीव्स का तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि एक्स्ट्रा लीव्स क्या होती हैं, इसलिए निकाल देते हैं हम, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो वेस्ट, क्योंकि जब भी प्लांट जो होता है ना वो सबसे पहले अपनी लीव्स को ही बचाता है, तो इस लीव्स से इसको छुटकारा मिल जाएगा और ये रूट्स जो है डेवलप कर देगा, इतनी एनर्जी ले लेगा कि ये रूट्स डेवलप करने लग जाएगा, क्योंकि जब इसके पास बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं होंगी तो इसकी जो एनर्जी है वो नीचे जाएगी और रूट्स डेवलप करने में, अपने आप को बचाने में लग जाएगी, बल्कि इसको बचाने के मुकाबले वो इसको बचाने लग जाएगी, स्टेम को लास्ट होता है ये, इसलिए इसमें रूट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं, इसी की वजह से लीव्स पे कम ध्यान देगा तो ये अपने आप को बचाना शुरू कर देगा और इसमें रूट्स आ जाएंगे। तो ये आ चुकी है हमारी फोर्थ। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ, ये देखिए, ये है हमारी जो है लेंटाना का जो फ्लावर होता है, बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत फ्लावर होता है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, बहुत ही प्यारे से फूल इसमें खिलते हैं, कलरफुल फूल खिलते हैं और जो इसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, इसकी जो ये जो पत्तियां हैं और स्टेम है ना इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मनमोहक भीनी भीनी सी खुशबू आती है और बहुत ही खूबसूरती से ये जो हमारा प्लांट है वो फूल देता रहता है बिना किसी केयर के। इसको धूप चाहिए, धूप का प्लांट है, सर्दियों में बचा रहेगा अगर आप इसको फॉग से बचा देंगे तो, मतलब जो पाला होता है, क्योंकि गर्मियों का प्लांट है, पाले से या फॉग से या जो भी आप कहिए कि ज़्यादा तेज़ सर्दी से इसको ये ख़राब हो जाता है, बाकी तेज़ धूप जितनी होगी उतना अच्छा चलेगा और कटिंग्स इजीली चल जाएंगी। इसको भी आप वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, डेली पसंद होता है, गर्मी होती है लेकिन इसको पानी पसंद, ऐसे भरा हुआ पानी पसंद नहीं होता। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप इसे पानी भी मत दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो वैसे ही मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए, ये भी हो चुकी है मेरी, एक दो कटिंग इसकी तैयार हो चुकी हैं। फिर इसके बाद आता है मेरा पर्पल हार्ट, जैसे कि पर्पल हार्ट इसका नाम है और वैसे ही इसकी खूबसूरती है। ये देखिए आप, खूबसूरती इसकी बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए इसका फ्लावर देखिए आप, कितना प्यारा इसका जो फ्लावर होता है वो है यार, ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है इसका, बहुत लगता है इसका जो लीव्स होती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं, पर्पल कलर की होती हैं, धूप का प्लांट है, बहुत से लोग नर्सरी वाले आपको इंडोर प्लांट कह के दे देते हैं लेकिन आप इंडोर प्लांट मत समझिए इसको, ये आउटडोर प्लांट है, फुल प्रॉपर धूप इसको चाहिए और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी जो है धूप में ही आते हैं, छाया में नहीं आते। तो इसकी कटिंग आप इजीली लगा लीजिए, एक बार लगा लीजिए, पड़ोसियों को भी आपको बांटना पड़ जाएगा, ये ऐसा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। तो देखिए आर्चिक आ चुका है और आर्चिक की मुझे हेल्प चाहिए थी, बेटा उठ के आए हो अभी आप तो हाय तो बोल दो, तो ये अभी अभी उठ के आया है तो क्योंकि मैं अभी आर्चिक को याद कर रही थी ना, ये उठ के आ गया। और फ्रेंड्स फिर आता है आपका ये गुलाब, ये देखिए कितना अच्छा गुलाब है और इतनी बड़ी इसकी जो है कटिंग मैं ले आई हूँ क्योंकि मुझे कटिंग्स करनी थी। ये सिंपल वाला जो हमारा कॉमन गुलाब होता है, देसी गुलाब जो होता है वो है ये, और बहुत ही खूबसूरत ये हमारा देसी गुलाब है और इसकी कटिंग मैं, ये देखिए थोड़ी सी हार्ड कटिंग भी लेकर आई हूँ, ये मैं इससे हार्ड कटिंग से भी बनाऊँगी, एक कटिंग मैं यहाँ से, ये देखिए इसकी ग्रोथ जो हो रही है तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, यहाँ से कर दूँगी, ये देखिए। ओ ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है मेरी कटिंग यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पर जो इसमें नोड है ये
ये यहाँ से रूट्स आएंगी इसमें, और ये मेरा प्लांट है जो वो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि जो गुलाब की कटिंग है वो लगाना आप ना भूलें, बरसात में बहुत अच्छे से चलेगी। और बहुत सारे आपके जो है देसी गुलाब जो होते हैं, मुझे तो भाई देसी गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है, मेरे गार्डन को महका देती है। तो आप भी गुलाब की कटिंग ज़रूर लगाइए। एक ये देखिए, ये तो थोड़ी हार्ड कटिंग है, और जो बारिश के मौसम का होता है ना, वो ये फायदा होता है कि आपको हार्ड कटिंग के साथ साथ सॉफ्ट कटिंग भी आपकी इसकी चल जाएगी। तो एक कटिंग में ये देखिए ये बनाऊंगी, ये देखिए एक कटिंग ये वाली बनेगी इसमें से। और देखिए यहाँ से एक ये आ रही है, मैं इसको यहाँ से तो इसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ, और यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से देखिए ये जो है ये यहाँ से आएगी, इसमें जो नोड आएगी, जो लीव्स आएंगी, जो शूट्स आएंगी, वो यहाँ से आएंगी, और यहाँ से इसको जो है रूट्स जो है इसकी डेवलप होंगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कट कर देती हूँ, और यहाँ से ऊपर से इसको थोड़ा सा और काट देती हूँ, क्योंकि इसको जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसको आप निकाल दीजिए, थोड़ी हार्ड है, थोड़ा सा प्रेशर से कटिए। ये देखिए एक कटिंग मैंने ये ले ली है इसकी, ये भी मैं लगाऊंगी। और एक ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लगाने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग, जो कि ये भी सक्सेसफुल होगी। बारिश का मौसम है, इसका मॉइस्चर तो उड़ने वाला है नहीं अब, तो इसी वजह से क्या होगा कि मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। मैं इसकी जो है लीव्स सारी निकाल देती हूँ, और क्योंकि लीव्स निकालने से जो है इसको रूट्स डेवलप करने में काफ़ी ईजी होता है, तो थोड़ा सा तिरछा कट देते हुए ये देखिए ये भी जो है तिरछा कट दे दिया है मैंने इसमें, और इसको भी लगा दिया। इन तीनों कटिंग्स को मैं गुलाब की को लगाऊंगी, और गुलाब की कटिंग्स लगाने से क्या होगा कि हमारे जो गुलाब हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे इन सर्दियों में। इन कटिंग के फूलों को मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स एक ये आती है आखिर में, जो बहुत ही प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे तो लगता है। ये देखिए इसकी लीव्स आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारी और पर्पलिश कलर की जो इसकी लीव्स होती हैं। इंग्लिश आईवी का प्लांट है, इसकी कटिंग भी आप इजीली लगा सकते हैं, बहुत ही इजी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इतनी बड़ी कटिंग ले ली है और सॉफ्ट कटिंग ली है, और इसके जो लीव्स हैं वो मैं हटा देती हूँ, एक्स्ट्रा लीव्स हटा देती हूँ। बहुत ही क्यूट सी लीव्स हैं, हटाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हटानी तो पड़ेगी ना अगर मेरे को कटिंग्स लगानी है। तो ये देखिए ये मैंने हटा दिया यहाँ से, और बस इसको बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल में इसको लगाऊंगी मैं, और इसको आप हैंगिंग में लगाइए, बहुत ही प्यारा सा प्लांट बनता है, बहुत 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 खूबसूरत है, माय फेवरेट प्लांट। ये देखिए बहुत ही इजीली लग जाता है, इसकी कटिंग लगाना बहुत ईजी है, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। फिर एक चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ, मनी प्लांट जो कि सबको पता होता है, पोथोस, इसकी कटिंग आप ज़रूर लगाइए, इजी है। पानी में डालिए, मिट्टी में डालिए, रिवर्स एंड में डालिए, जैसे मर्जी आप लगा दीजिए, हैंगिंग में लगाइए, नीचे पॉट में लगाइए, इतने पॉट में लगाइए, इतने बड़े पॉट में लगाइए, एज यू लाइक, आप कैसे भी लगा सकते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारी कटिंग्स हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डालूं सबकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और उसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे देती हूँ, कटिंग्स को कैसे लगा सकते हैं। मैंने लिया है कि ये पॉट, आप टेंशन मत लीजिए कि इतनी सारी कटिंग्स आप कितने पॉट में लगाएंगे, तो मैं इसी में ही आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये मैंने एक पॉट ले लिया है, और इसमें मैंने लगाऊंगी, ये देखिए ये मैंने रोज़ कटिंग जो बनाई थी ये है, और इसको ऐसे ही मैं नज़दीक नज़दीक ये देखिए लगाती चली जाऊंगी। इसमें तीन कटिंग है मेरे पास रोज़ की, तो मैंने तीनों लगा दी हैं। आप एक कटिंग कभी भी ना लगाएं, क्योंकि फेल तो होती हैं कटिंग, 100% किसी की भी नहीं लगती है। ये देखिए ये है मेरी इंग्लिश आईवी, और इसकी कटिंग को भी मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट जो है मिट्टी है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए इसमें ना एक वो है यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक कान खजूर है, इसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, ये देखिए बट थोड़ा सा डर लगता है कहीं मेरे हाथ पे ना आ जाए, इसलिए मुझे डर लगता है, गया वो अंदर ही गया, निकल जाएगा अपने आप क्या हो रहा है। और ये देखिए ये पर्पल हार्ट की कटिंग है,
मेरे हाथ पे ना आ जाए, बस मुझे इसका डर है। ये पर्पल हार्ट है और ये भी आप लगा दीजिए। इसकी जो लीव्स हैं वो मैं निकाल देती हूँ ऊपर की, और ये देखिए ये मैंने यहाँ लगा दी है पर्पल हार्ट। और ये देखिए ये है मेरी जो है कटिंग है हाइब्रिड गुड़हल की, ये भी मैंने इसमें लगा दी है। ये है विंका की कटिंग, ये भी मैंने इसमें लगा दी है। ऐसे सिंपल तरीके से मैं आपके सामने ही इनको लगा रही हूँ। ये देखिए ये है मेरी उसकी लेंटाना की कटिंग है, ये भी मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से ही इसके अंदर लगा रही हूँ। ये देखिए एक और मेरी लेंटाना की कटिंग है, तो कहाँ गया वो, नीचे चला गया होगा। मेरा ध्यान जो है वो कान खजूरा पे ही है। और ये देखिए ये जो हाइब्रिड गुड़हल है हिबिस्कस, उसकी कटिंग मैं लगा रही हूँ आपके सामने ही। ये देखिए ऐसे ही मिट्टी में थोड़ा सा दबा दीजिए इसको, मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी गीली है तो मुझे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक ये है, ये देखिए ये है उसका बोट लिली, तो मैं उसकी कटिंग को भी ऐसे ही इसमें लगा दूँगी। ये देखिए ये मैंने इसमें ये भी ऐसे लगा दिया। तो ये मेरा बंच बन गया है, एक बहुत अच्छा सा बंच बन गया है, मेरा बुके बन गया है कटिंग्स का। और इसको मैं रख दूँगी यहाँ बारिश में, जहाँ बारिश तो लगेगी इसे, लेकिन धूप निकलेगी तो धूप बिल्कुल नहीं आएगी। मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी, तो रख देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हाथ हो चुके हैं बिल्कुल मिट्टी में, गंदे हो चुके हैं। और एक तो ये वाली कटिंग रह गई है मेरी, और एक लास्ट मेरी एक ये पर्पल हार्ट की जो कटिंग है वो रह गई है। इनको भी मैं किसी ना किसी पॉट में ही लगा दूँगी, बहुत इजीली लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप भी इन कटिंग्स को लगाइए। जेड प्लांट है उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, टर्टल वाइन है उसकी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कटिंग्स लगा लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मदर्स ऑफ थाउजेंड्स, मदर ऑफ थाउजेंड्स। ये देखिए इसमें जो है आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये छोटे छोटे जो है बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, गिफ्ट दिया था मेरी फ्रेंड ने मुझे, और उसी को बस मैंने एक प्लांट लगाया था, और बहुत सारे प्लांट्स मैंने इसको लगा दिए हैं, और मैंने अपनी और फ्रेंड्स को भी इसे दे दिए हैं, बांट दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी इनको बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए और सबको दीजिए, प्लांट्स लगाइए, इस प्लांट को ग्रीन कीजिए, और मेरे ग्रीन प्लांट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।